तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचकवा से जहां एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मचकवा निवासी लाल बहादुर सोनी का शव पड़ा पाया गया था। प्रथम दृष्टया जांच के दौरान ही यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, जिसके बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल में रखा दिया गया था। पुलिस ने मामले में संदेह के आधार पर गाँव के ही लवकुश उर्फ निर्मल कुशवाहा को थाने पूछताछ के लिए लाई है, जबकि उसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। बताया गया है कि पूर्व में आरोपी का एक महिला से विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर मृतक पर आरोपी का संदेह था, जिसके बाद बीती शाम मृतक अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में मिले आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान मृतक के शरीर में अंदरूनी चोट लगने के कारण लाल बहादुर की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से एक संदेही को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचकवा से, जहां 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है।